brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. निर्दलीय लड़ रहे हैं वो भाजपा के मतलब एनडीए के खिलाफ में काराकाट में। देखिए जोश में वो लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनसे बड़े बड़े फिल्म वाले पहले भी लड़े हैं। जब तक पार्टी सपोर्ट नहीं करेगा वो नहीं जीतेंगे। रिकॉर्ड नहीं है कि निर्दलीय कोई जीता हो। नहीं मतलब उनके रोड शो में भीड़ तो आ रही है। भीड़ तो पवन सिंह को देखने के लिए कहीं भी आ सकती है भीड़, लेकिन वोटों में नहीं बदलती है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए इस वक्त हम अररिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत फारबिसगंज जंक्शन पर मौजूद हैं। यहां पर हमने कुछ लोगों से बातचीत की है, वो वीडियो आप तक साझा भी किया है। हमें एक और व्यक्ति मिल गए हैं, आपको कोई एक्टर बताते हैं। कहना है इन्होंने हिंदी और भोजपुरी के कई फिल्मों में काम किया है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना नाम बता दीजिए और किस किस फिल्मों का। मैं राम कुमार भगत, हालिया फिल्म मेरी प्यार भैल हिंदुस्तान रिलीज हुई जिसमें मुख्य खलनायक का रोल किया। हाँ मेन, और इसके पूर्व हमने दिलीप कुमार के साथ कर्मा, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ कालका, मिथुन के साथ जाल आदि अनेक हिंदी भोजपुरी फिल्मों में काम किया। अब यहीं के रहने वाले जी, मेरा जन्म स्थान यही है। तो अभी कहाँ रहते हैं? यहाँ की मुंबई में। मुंबई में भी रहता हूँ और जन्म स्थान यहाँ अभी आया हुआ हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे चुनाव है, चुनाव में आए हैं क्या? नहीं, कुछ रिलेशन में शादी विवाह थी और चुनाव आ गया तो हम भोज गिरा कर ही जाएंगे, वोट गिरा करके जाएंगे। क्या लगता है आपके अपने क्षेत्र के बारे में, कुछ पता है कौन सांसद बनेंगे, किसका हवा चल रहा है? देखिए ये चुनाव देश स्तर पे है, पूरा राष्ट्र का मामला है, ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये देश की अस्मिता का सवाल है, देश की सुरक्षा की सवाल है। अभी जिस तरह देश विदेश में लड़ाई चल रहा है, वर्ल्ड वार का दिख रहा है, उस हिसाब से हमारे केंद्र को मजबूती चाहिए। और इस मामले में कोई भी हो, किसी भी दल का हो, नरेंद्र मोदी को ही चाहता है क्योंकि वही इस देश को सुरक्षित रखे हुए हैं, किसी देश को। अच्छा, आपने एक बात कही कि आपने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म काम में काम किया है, मगर शत्रुघ्न सिन्हा तो नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बने, तो उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। एक्चुअली वो पद के लिए तृणमूल कांग्रेस में चले गए, हमारे अच्छे मित्र भी रहे, बड़े भाई हैं, उनके साथ हमने फिल्म भी की। मैं उनका ऑल इंडिया शत्रुघ्न सिन्हा फैंस एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ, मेरे अच्छे संबंध है। कौन सी फिल्म में काम किया था उनके साथ? कालका। उनके उस फिल्म का कोई डायलॉग सुनाएंगे? वो एक कोयले खान की शूटिंग थी, उसमें वो भी मलकत्ता थे, मजदूर मैं भी था, साथ में बहुत सीन था हम लोगों का। कोई डायलॉग जो आपको याद हो उस दौरान? उसमें क्या था कि हम लोग जमींदारी के त्रस्त थे, हम लोग को मजदूरी नहीं दिया जाता था, शोषण होता था, तो उसमें जो एक हमारे साथी को गोली मार देता है मजदूरी मांगने पर, उस समय हम लोग रिएक्ट करते हैं, इसी तरह सीन था कोयला खान में। तो मतलब उसमें कुछ डायलॉग होगा ना आपने? जैसे कि एक को गोली मारा तो हम लोग दौड़ते हैं, अरे हरिया गोली मार दिया, मलकत्ता भाई दौड़ो, इस तरह से हम लोग आक्रोशित होकर प्लॉट पे पहुंचते हैं। भोजपुरी फिल्मों में भी आपने काम किया ना? हाँ, बहुत सी भोजपुरी फिल्मों का कुछ एक दो डायलॉग सुनाइए, मतलब एक्टिंग करके एकदम पूरा। जैसे हम पाकिस्तान से हीरो को पचा कर ले जाते हैं, मतलब विलन रहते हैं, हाँ, तो उसको हम पाकिस्तान प्रवेश कराते हैं, तो बोलता अरे यहाँ तो पुलिस है, बोला अरे यार जुगाड़ है जुगाड़, ये देखो मैं निकालता हूँ औजार और एलओसी पे तार काटता हूँ, तार काटने के बाद उसको अंदर से निकाल कर पहाड़ी रास्ते से उसको हिंदुस्तान में प्रवेश करा देता हूँ। अच्छा, विलेन का किरदार आपने खलनायक का क्यों, हीरो का कभी मन किया कि हीरो का किरदार या बॉलीवुड फिल्म में या फिर भोजपुरी फिल्म में? जब हम शुरू में गए थे तो हीरो बन नहीं गए थे, लेकिन परिस्थिति में कैरेक्टर रोल और फिर विलेन और फिर इंस्पेक्टर हवलदार और अन्य तरह की भूमिकाएं करने लगे। हीरो बनने गए थे, खलनायक बन गए? जी हाँ। चलिए, अब चुनाव पे बातचीत कर रहे हैं आपसे, क्या बता रहे थे आप, क्यों जरूरी है देश में मोदी की सरकार? देखिए देश में नागरिक का सुरक्षा चाहिए, पूरे देश में देश की सुरक्षा चाहिए। देखिए वो लोग चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं सत्ता के लिए, वो तो गठबंधन करके 230 सीट पर शायद लड़ रहे हैं, कोई भी विपक्षी सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा, अस्तित्व बचा रहा है कि कुछ सीट आ जाए। जो पार्टी बहुमत के लिए लड़ेगी वो स्वाभाविक है 543 सीट पर दिमाग लगाएगी और लड़ेगी, उसमें आपका भाजपा ही अव्वल है जिसमें नरेंद्र मोदी जी भिड़े हुए हैं, बाकी तो लोग अपने अपने क्षेत्र में हैं, लोग भले अपने क्षेत्र में दे दे क्षेत्रीय पार्टी को, लेकिन ये चुनाव राष्ट्रीय पार्टी का, राष्ट्रीय मुद्दा का, यहाँ लोग एक स्वर से नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे हम लेंगे अब इन सबसे हट करके, चूंकि आप भी एक्टर हैं, कलाकार हैं, पवन सिंह भी कलाकार हैं, निर्दलीय चुनाव मैदान में है, भाजपा ने उनको आसनसोल से पहले टिकट भी दिया।
दिया, फिर उन्होंने लौटा भी दिया। निर्दलीय लड़ रहे हैं वो भाजपा के मतलब एनडीए के खिलाफ में काराकाट में, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जोश में वो लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनसे बड़े बड़े फिल्म वाले पहले भी लड़े हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है। जब तक पार्टी सपोर्ट नहीं करती है, चाहे राज बब्बर हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, धर्मेंद्र हो, सनी देओल हो, हेमा मालिनी हो, जब तक पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी वो नहीं जीतेंगे। रिकॉर्ड नहीं है कि निर्दलीय कोई जीता हो। नहीं नहीं, मतलब उनके रोड शो में भीड़ तो आ रही है काफी। भीड़ तो पवन सिंह को देखने के लिए कहीं भी आ सकती है भीड़, लेकिन वोटों में नहीं बदलती है। भीड़ में उत्सुकता होती है किसी को देखने के लिए, समझने के लिए, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होती है। पवन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए, उसे किसी पार्टी के साथ लग जाना चाहिए, या इंडिया गठबंधन या एनडीए में, तभी उसका अस्तित्व बने। क्या सलाह देंगे आप पवन सिंह को बिहार तक? सलाह क्या, पहली फिल्म हमारे दोस्त ने उसको चांस दिया था, पवन पुरवैया में, आदर जैन ने, मेरे सामने ही उसकी पहली फिल्म थी पवन पुरवैया, जिसमें पवन सिंह को हम लोगों ने चांस दिया था। वो फिल्म मैंने भी देखी थी, शायद डबल रोल था। हाँ सही है, मेरा दोस्त ही बनाया था, आदर जैन डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जो मेरे यहाँ बरावड़ आते हैं। तो यही बात है, उसे सलाह दूंगा वो अपना अस्तित्व बचाएं और किसी एक पार्टी के साथ हो जाए। क्या नाम बताया आपने अपना? राम कुमार भगत। चलिए, राम कुमार भगत हमारे साथ थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, इन्होंने अपने फिल्मी दिनों को भी याद किया और पवन सिंह को भी सलाह दी, साथ ही साथ ये भी बताया कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों जरूरी है। अपने सहयोगी अमरेंद्र के साथ अनिकेत कुमार, अररिया।